हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गनाश बनाने जा रही हूँ। गनाश जनरली केक में आइसिंग के लिए काम आता है। वनीला हो या फिर चॉकलेट केक हो, आप उस पर एज आइसिंग यूज़ कर सकते हो। डेजर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आइसक्रीम के ऊपर भी एज ए टॉपिंग आप डाल के यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ है। आप कोई भी डिश लो, उस पर डालोगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। और गनाश बनाने के बाद हम उसको रेफ्रिजरेटर में एक या दो वीक के लिए हम रख सकते हैं। दो हफ्ते तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको ज़्यादा चलाना है, एक या दो महीने के लिए, तो आप उसको फ्रीज़र में रखिए। यस, वी कैन यूज़ इट। फ्रीज़र में रखने के बाद हम एक से दो महीने तक यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी टेस्टी और बच्चों की तो फेवरेट डिश ही मानिए। और चलते फिरते वैसे ये ज़्यादा बचने वाली है नहीं घर पे, एक दो महीने तक तो बचेगी नहीं। बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। अगर आप आइसिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हो तो एक पोर्शन, अगर आपने फुल क्रीम का लिया है तो एक पोर्शन आपको सेम पोर्शन यू सपोज टू टेक चॉकलेट का। तो डार्क चॉकलेट में भी बना सकते हो, मिल्क चॉकलेट में भी बना सकते हो और वाइट चॉकलेट के साथ भी इसको बना सकते हो। सो एंड यू कैन ऐड फ्लेवर्स ऑल्सो इन इट। बहुत सारे एसेंस मिलते हैं फ्लेवर्स के, यू कैन यूज दैट। एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन येट। थैंक यू। गनाश बनाने के लिए हमने डार्क चॉकलेट ली है 125 ग्राम या एक कप। और ये हम वनीला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून जितना। ये बटर लिया है हमने 1/2 टेबल स्पून, अनसॉल्टेड बटर है। और अगर आप सॉल्टेड बटर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज़ दैट। और 1 कप हमने क्रीम लिया है। सो सबसे पहले हम लोग क्रीम को गरम करेंगे। इसको हम एकदम अच्छे से गरम कर लेंगे। इसमें मैं एक पिंच जितना सॉल्ट डालूंगी क्योंकि मेरा अनसॉल्टेड बटर है। और ये बटर डालेंगे हम इसमें। और पता है आपको बटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि गनाश में एक अच्छी सी शाइन रहे। इसको एकदम अच्छे से चलाते रहना है। इसमें 1 टीस्पून जितना हम वनीला एसेंस डालेंगे। इसको एकदम अच्छे से चलाते रहिए ताकि ये नीचे स्टिक ना हो। और इसको फ्लेम को मैंने एकदम स्लो ही रखा है। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसको डार्क चॉकलेट में डाल देंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गनाश बनाने के लिए हम लोग जितनी चॉकलेट लेते हैं उतनी ही हमें क्रीम लेनी है। आपको क्रीम आसानी से मिल जाएगी अवेलेबल मार्केट में। सो दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, हम अब इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से गैस को बंद कर देंगे। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, सो वी कैन स्विच ऑफ द गैस। नाउ वी विल मिक्स इट इन द विद द चॉकलेट। ओके, सो पूरी क्रीम को एकदम अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला के लिए हमने यूज किया है। नाउ लेट इट सिट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट तक आप इसको चलाओगे नहीं, इसको ऐसे ही रखना है, हमें इसको मिक्स नहीं करना है। ओके, नाउ विल मिक्स इट स्लोली। यू कैन मिक्स इट। कैन यू सी इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है? और इसमें आपको एक शाइन भी दिखेगी, बटर की वजह से वो शाइन आई है इसमें।
आप इसको किसी डेजर्ट या केक के ऊपर फ्रोस्टिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद आप इसको यूज करना। जस्ट लुक एट दिस, इसकी शाइन कितना शाइनी लग रहा है ये, सी। बच्चों को अगर दिखा दिया जाए ना तो वो ऐसे ही खा लेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड यू विल एंजॉय विद दिस रेसिपी। थैंक यू।